नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आध्यात्मिक संग्रह में। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीता नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सीता माता कहानी कहा करती थी और श्री राम जी सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नीता नेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? भगवान बोले, ऐसा करियो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाइयो, औरतें पानी भरने आएंगी, तेरी कहानी सुन लेंगी। बोली, अच्छा। सीता माता कुएं पर बैठ गई। एक बहू आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता बोली, बहन मेरे 12 वर्ष का नीता नेम सुन ले। बहू बोली, मैं तेरा 12 वर्ष का नीता नेम नहीं सुनूंगी, मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली, बहू किसका दोष ले आई? वह बोली, सासू जी दोष क्या लाई, कुएं पर एक औरत बैठी थी, वह कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई, वही घड़ा ले गई। सीता माता बैठी पाई और बोली, बहन मेरी कहानी सुन ले। सास बोली, कहानी एक बार छोड़, 4 बार सुनूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीता नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, सूत के पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, जय जय राम। वह बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी, घर गई रेशम जरी की साड़ी सोने की हो गई, सोने का घड़ा हो गया। वह बहू कहने लगी, सासू जी तुम कैसे कर लाई, बहू तो दोष लगा लाई थी, मैं दोष उतार आई, ऐसी वह कौन थी? वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। ले बहू तू भी सुन ले। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीता नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, सूत के पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, जय जय राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। अब सासू और बहू नहाती, पूजा पाठ करती, नीता नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा आग दे दे। वे कहने लगी, अभी हमने आग नहीं जलाई। वह बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? हम नहाए धोए पूजा पाठ कर रहे हैं, सीता माता की कहानी कह रहे हैं। वह बोली, इससे क्या होता है? बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कारज सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दे। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीता नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, सूत के पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम,
राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। वह कहानी कहने लगी। पड़ोसन बोली, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नीता नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माँ, जैसे उन सबके भंडार भरे, वैसे हमारे भी भरियो। लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय, जय श्री राम जय श्री राम। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आज भी यह कथा सीता जयंती पर चाव से सुनाई जाती है। सीता माता की यह कहानी जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है और जो इस कहानी को कहता है उसका भी कल्याण होता है। मित्रों, आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सीता माता की इस कहानी को अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे उनका भी कल्याण हो और आपका भी। जो दर्शक मेरे चैनल पर नए हैं, जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी आने वाली सभी वीडियोस का लाभ उठाएं। और हाँ, ऑल का ऑप्शन आप ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। धन्यवाद। जय श्री राम।